नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पंचांग के ऊपर हमारी चर्चाएं चल रही थी और पंचांग की तिथियों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। आज पंचांग की चतुर्थी तिथि क्या कहलाती है? चतुर्थी तिथि कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में क्या इसके मायने हैं? ये क्या कहलाती है? अभी कुछ देर पहले मुझे कई सारी चीजें देखी मैंने कि हमारे पंचांग की चर्चा के साथ साथ और भी कई लोगों ने पंचांग आदि इत्यादि के ऊपर अपनी ज्ञान की आपस में आदान प्रदान किया। ये अच्छा है कि किसी विषय को समझें, जब कई लोग उसके ऊपर बात करेंगे तो कुछ अच्छा तो जरूर निकल के आएगा। तो हमारा ये प्रयास काफी हद तक सार्थक भी रहा और आगे बढ़ाने में हमें मदद भी करें। आज की तिथि चतुर्थी। चतुर्थी तिथि रिक्त तिथि और इसके शासित ग्रह शनि। तो चतुर्थी तिथि शनि के द्वारा शासित है एवं इसकी इसके देव गणपति हैं। अर्थात जब इसके देव गणपति हैं तो इसके में क्या देखने को मिलेगा, एक बार समझते हैं। गणपति ज्ञान के कारक है, लिखने पढ़ने के देव हैं। तो गणपति में अगर चतुर्थी में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो उनको क्या देखने को मिलेगा? ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने से संबंध बनाएंगे, अकाउंट कीपर, बुक राइटर, ये सब इनके गुण अपने आप ही देखने को मिलेंगे। चतुर्थी तिथि रिक्त है तो कुदरती अगर व्यक्ति चतुर्थी तिथि में पैदा है तो कहीं ना कहीं इनको जीवन में एक सूनापन देखने को मिला है। क्या करना चाहिए चतुर्थी तिथि को बल देने के लिए? गणपति की आराधना करनी चाहिए, बच्चों में छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने की वस्तुएं भेंट करनी चाहिए, लड्डू मोदक बांटना चाहिए, शिक्षा में सहायता प्रदान करनी चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए और अपने आसपास अगर हो सके तो एक छोटे से मिट्टी के सकोरे के अंदर जौ की बालें या दुर्वा घास जरूर उगा के रखें। ये काफी सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे चतुर्थी तिथि के बल अपने आप में बढ़ते चले। चतुर्थी तिथि की जो देवी हैं, नित्या देवी, वो हैं बैरुंदा। बैरुंदा देवी थोड़ी सी उग्र देवी मानी जाती है। अर्थात चतुर्थी के गुण ये देखने को मिलेंगे कि ऐसे लोग जल्दी गुस्सा आ जाना और गुस्से के कारण से एकांतवास में चले जाना इन लोगों को देखने को मिलता है। विघ्न पैदा करके लाभ कमाते हैं, अर्थात किसी भी चीज के अंदर पहले टांग अड़ा देना और फिर उससे लाभ प्राप्त करना, ऐसा चतुर्थी तिथि का गुण है। ज्ञानी बुद्धिमान, यानी अगर चतुर्थी तिथि के अंदर व्यक्ति पैदा है तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा आलोचक हो सकता है, सरकार के खिलाफ कोई बात कहने का मादा रख सकता है। ये सब चतुर्थी तिथि में देखने को मिलेगा। कम बोल के ऐसी बात बोल देना जिसके अंदर गहराई बहुत छुपी हुई हो, ऐसा चतुर्थी तिथि का गुण भी अपने आप में बना रहता है। चतुर्थी तिथि अगर कृष्ण पक्ष की हो तो यशा अर्थात यश प्रदान करने वाली, लेकिन साथ में खबरों में सदैव बने रहेंगे। और चतुर्थी तिथि अगर शुक्ल पक्ष की हो तो लंबे समय तक इनका नाम समाज में बना रहता है और ऐसे लोग कठोर भी होते हैं। ये चतुर्थी तिथि के गुण हैं। चतुर्थी तिथि अगर शनिवार के साथ मिल जाए तो ये सिद्ध तिथि नामक योग बनाता है।
और चतुर्थी तिथि अपने आप में सिद्ध तिथि बन जाती है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां ये सिद्ध तिथि योग कहलाती है। इस प्रकार से अगर देखा तो हमने ये पाया कि चतुर्थी तिथि थोड़ी एकांतवासनी, थोड़ी चीजों को कम करने वाली तिथि जरूर है, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक क्या है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि में अगर कोई व्यक्ति विशेष कार्य कर रहा है तो ऐसी चीजें जिसमें उसको किसी चीज को समाप्त करना हो, ऐसे कार्यों की शुरुआत करे तो काफी लाभ प्राप्त रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से संबंधित इलाज के लिए जाता है, वैसे तो रोग के लिए तिथियों के ऊपर ध्यान ना देके सबसे पहले रोग की तीव्रता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिर भी अगर कोई चतुर्थी तिथि का उसमें प्रयोग किया जाए तो रोग सदैव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है, मुहूर्त शास्त्र है। ये सारी चीजें, सारा ज्ञान का आदान प्रदान मैंने अपने आचार्य मुहूर्त चिंतामणि गणेश आचार्य और मिश्र आचार्य के द्वारा सीख के आप लोगों को बताई। आशा है कि आपको मेरी द्वारा कही गई बातों से कुछ एक नया चीज देखने को मिलेगी, और अगर आप भी उसके अंदर कुछ अपने अनुभव शामिल करेंगे मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा। धन्यवाद, चैनल के साथ में बने रहिए, नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। खुश रहिए, राम राम।